हेलो जी, सलाम अदाब नमस्ते सत श्री अकाल ते जय साईं जी दी। मेरे वालों जी ते मैं तुहाडा अपना देव हीर ते तुसी देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल देव हीर व्लॉग। ते जे तुसी इस चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो ते बैल आइकन नूं ऑन करना ना भुल्यो ताकि तुहानूं आउण वाली हर एक नवीं वीडियो की अपडेट अपने मिलती रहे। ते आओ शुरू करदे हां जी अज दा किस्सा। अज दा किस्सा जी मेरे नाल शेयर कीता उन्हां दा नाम है जी डॉक्टर काजल, नवें शहर के रहने वाले ने। डॉक्टर साहब की ड्यूटी जिहड़ी लगी आ नवें शहर तो रोपड़ शहर के लगी आ, तो बस के आन जान हुंदा आ। एक दिन कहिंदे कि मैं जदों नवें शहर तो बस के चढ़ी रोपड़ जाण वास्ते, तो उस बस के मेरे नाल आके ना एक कहिंदे कोई बैठा, वो हाथ देख के या अपना फेस देख के दस देंदे सीगे कि इहदा फ्यूचर की आ या इहने की करना की नहीं करना, पंडित कह सकदे आ आपां। तां कहिंदे जी उस पंडित जी ने मेरे नाल गल शुरू कीती कि मैं तुहाडा मत्था पढ़ के ना मैं दस सकदा तुहाडे बारे। कहिंदे जी मैं कहा भी कोई गल नहीं दसो। पंडित जी ने कहिंदे मेरा मत्था देखिया तो मैनू वह कहिंदे भी भाई तुसी बाहर नहीं जा सकते हजे, भी कोई चांस नहीं बाहर जाने दे। इदा इदा दी उन्होंने गल्लां कीतियां तो मेरे दिल दे विच आया कि भी इदा किदा हो सकता, भी साईं जी दी मुरीद आ मैं, साईं जी नूं मंनदी आ ते इह कहिंदा कि बाहर नहीं जा सकते। चलो जी सफर लंघिया, मैं अपनी ड्यूटी ते पहुंची। ड्यूटी ते पहुँच के भी मेरे अंदर उही पंडित दी गल चलती रही कि मैं बाहर नहीं जा सकती। ड्यूटी खत्म होने तो बाद मेरे दिल दे विच आया कि मैं इत्थों सीधा नकोदर जाना। कहिंदे जी मैं ड्यूटी तो सीधे ही नकोदर दरबार साईं जी दे कोले गई, सलाम करके बाबा मुराद शाह जी दे, साईं लाजी शाह सरकार दे सलाम करके जदों चाह दा लंगर छकण वास्ते बैठी, मेरे अंदर यही चल रहा सी कि पंडित ने मैनू इदा क्यों कहता भी मैं बाहर नहीं जा सकती। चाह जिथे मैं बैठ के पीनी सी, मेरे नाल आके एक कहिंदे बजुर्ग बैठे तो उन्होंने मेरे को आके ना 20 रुपये मंगे कि पुत मैनू 20 रुपये दे दो, मैं ना पट्टी करवानी आ। मैं 20 रुपये लभण लग पई अपने बैग के विचों कि बाबा जी कोई गल नहीं मैं दे दिंदी हाँ। मेरे 20 रुपये लभदे लभदे उन्होंने मैनू कहिंदे इन्नी गल कही कि बहुता सोचना, सब कुछ तेरा जिन्ना भी काम आ तेरा सारा काम हो जूगा, तू बाहर भी जाएगी, बहुत ही टेंशन ना लै। ते कहिंदे उन्हां दे फेस दे उत्ते इन्ना नूर सी, उन्हां दे फेस वल उन्हां दीआं अक्खां वल कहिंदे मेरे तो देखिया नहीं सी जा रहा, भी इन्ना उन्हां दे विच नूर सी। उन्होंने कहा भी तू टेंशन ना लै, तू सोचना ते तू बाहर पक्का जाएगी, जरूर जाएगी। चलो जी मैं 20 रुपये जदों कढ़े उन्हां दी इह गल सुणदे सुणदे ना, तां उह बाबा जी कहिंदे मैनू कहिंदे ने भी 20 रुपये दे विच पट्टी हो जूगी, भी तू दस मैनू 20 रुपये दे विच पट्टी हो जूगी, भी तू तां आप डॉक्टर आ। कहिंदे जदों उन्होंने इन्नी गल कही ना भी तू तां आप डॉक्टर आ, मैं कहिंदे बहुत हैरान होई कि मैं डॉक्टर आ, ये सिर्फ मैनू पता, इत्थे तां किसे नूं भी नहीं पता, सिर्फ साईं जी जानते ने। चलो जी कहिंदे मैं उत्थे उन्हां नूं पैसे दित्ते, मत्था टेकिया, मैं उठी वापस आई। जदों मैं उस चाह वाले लंगर हॉल दे विचों बाहर वापस आई ना विहड़े वल नूं, मेरे दिल दे विच आया कि ये कोई होर नहीं सी, ये साईं जी सीगे, भी मैं एक बारी फिर जाके मिल के आवां। जदों कहिंदी मैं विहड़े दे विचों वापस चाह वाले लंगर हॉल दे विच मैं गई ना, क्योंकि वीरवार भी नहीं सी उस दिन, ऐतवार भी नहीं सी, ते रश घट सी, ते मेरे मगर उस हॉल दे विचों होर कोई भी नहीं आया, तो मैं सोचा कि जे मेरे मगर होर कोई नहीं आया तो इहदा मतलब हॉल दे विच ही ने। ते कहिंदे जी मैं जदों दुबारा चाह वाले लंगर हॉल दे विच गई, उत्थे कोई भी नहीं सी, मैं इन्ना लभिया बाबा जी नूं, उन्हां नूं उह मिले ही नहीं। तो मैं अपने मन दे अंदर ही बड़ी खुश कि मैं साईं जी नूं शुक्र करदी आं कि सरकार बहुत शुक्र आ तुहाडा कि वह पंडित ने मैनू वहम पाया सी कि तू बाहर नहीं जाना, पर मैनू ये तुसी यकीन दवाता किसी दे रूप दे विच आके आप तुसी बोल के भी बाहर तो मैं पक्का जाऊंगी।
उस तो बाद कहिंदे मैनूं यकीन हो गया साईं जी दे उत्ते कि किसे दीआं गल्लां दे विच नहीं आउणा जद तुहानूं अपने यार दे उत्ते अपने गुरु दे उत्ते यकीन आ। सो जी इह सी किस्सा डॉक्टर काजल जी दा। जे चंगा लग्गिया होवे तां लाइक कमेंट ते शेयर जरूर कर दिओ जी। जय साईं जी दी।